गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं वीना है। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से समझ सके 8, 9, 10 तीनों क्लास को मैंने पढ़ाया और वीडियो बनाया ठीक है आप प्लेलिस्ट भी मेरा देख सकते हैं वीना है साइंस करके सर्च कर सकते हैं लर्न इन हिंदी मीडियम ठीक है आर बुक का लर्न इन हिंदी मीडियम के चैनल आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट है सारे वीडियो जो डाले हुए हैं तो आप लोग को बुक आप लोग के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ और हर पेज में जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन रहते हैं उनको भी मैं सॉल्व करते जा रही हूँ ठीक है इसके बाद भी यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए आपसे हाँ पूछिए डाउट मैं आपको जरूर बताऊंगी तभी मैंने नाइन्थ क्लास का ग्रेविटेशन पढ़ाया जिसमें पेज नंबर वन फिफ्टी वन तक हो चुका है आज मैं स्टार्ट करूंगी वन फिफ्टी टू पेज ओके इसमें है पहला कुछ न्यूमेरिकल्स हम बतला चुके हैं इसके पहले ये टेन पॉइंट टू और टेन पॉइंट थ्री ये सब न्यूमेरिकल्स हो चुका है आज क्वेश्चन है कि मुक्त पतन से हम क्या समझते हैं है दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले मुक्त पतन से हम क्या समझते हैं? है, है? तो है? इसका आंसर है किसी ऊंचाई से किसी वस्तु यानी कि कोई पिंड है ना कोई वस्तु कोई पिंड किसी ऊंचाई से किसी वस्तु या पिंड का केवल गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है सिंपल भाषा में हम बोलेंगे कि जैसे हम लोग कोई भी ऊंचाई से किसी वस्तु नीचे गिरता है हवा में खुला वातावरण खुला रहता है तो उसको गिरता है तो कहाँ गिरता है वो धरती पर ही गिरता है नीचे गिरता है तो विज्ञान की भाषा में किसी ऊंचाई से किसी वस्तु या पिंड का केवल गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन या फ्री फॉल कहलाता है एफ एफाडबल फ्री फॉल एफ फ्री फॉल कहलाता है जबकि पिंड पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो है ना जो वस्तु गिर रहा है उस पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उस स्थिति में जो वस्तु नीचे की ओर गिरता है वह कहलाता है वह स्थिति कहलाता है मुक्त पतन ठीक है जरा सा भी भारी नहीं है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर से जो नीचे गिर रहा है वो गुरुत्व त्वरण के कारण गिर रहा है गुरुत्व बल के कारण गिर रहा है तो वही जो गिर रहा है वही मुक्त पतन कहलाता है ठीक सेकंड है आप इसको कॉपी क्वेश्चन लिखिएगा और जैसे बतला उसको तार लीजिएगा सेकंड है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है त्वरण कार्य करता है ना पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है तो यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है त्वरण कैसे होता है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं फिर से सुन लीजिए एक बार जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है एक्सलेशन कार्य करता है तो यह एक्सलेशन पृथ्वी के गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स के कारण होता है तो इसलिए इस त्वरण को इसलिए इस एक्सलेशन को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल गुर। के कारण त्वरण एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं गुरुत्व बल के कारण हो रहा है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण कहते है। तो इसे हम जी से करते हैं जी से लिखते हैं जी से निर्दिष्ट करते हैं दिखलाते हैं और ऐसे त्वरण हम किससे दिखलाते थे स्मॉल ए से है ना इसके पहले हम त्वरण किससे दिखलाते स्मॉल ए से लेकिन गुरुत्व त्वरण किस दिख इस बॉल जी से और जी का मात्रक क्या होगा जो त्वरण का मात्रक होगा यानी कि सेवायर जो त्वरण का मात्रक होगा एक्सलेन का जो यूनिट होगा एम एस माइनस टू या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर दोनों अब हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यमान द्रव्यमान क्या चीज होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की बाप होती है है ना कोई भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की बाप होती है करने का मतलब है कि जैसे मेरे हाथ में एक लोहा का गोला रहे हाँ और एक हाथ में तकिया रहे रूई से भरा हुआ तकिया तो क्या हम उसमें तुरंत अंतर समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में जो लोहे का गोला है शॉर्टफुट का गोला है उसका जड़ा तो ज्यादा होगा और मेरे बाएं हाथ में जो तकिया है उसका जड़ा तो होगा और ये भी हम लोग उसको देख के समझ आएंगे कि ये लोहा जो है बॉल जो है या लोहा कारण जो है यह इसका बास अधिक है इसका द्रव्यमान अधिक है छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसका बास अधिक है अत्या देख करके कोई भी बच्चा बता देगा कि इसे बहुत हल्का है, है ना तो द्रव्यमान जो है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके जड़त्व की बाप होती है जड़त्व बाप को बताता है या जड़त्व क्या है वो बताता है तो हमने भी यह सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा यानी कि कोई वस्तु जितना आ, भारी रहेगा जितना उसका वेट रहेगा तो उसका जड़ भी उतना ही होगा किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो या चांद पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो उस वस्तु का द्रव्यमान चाहे वो कहीं हो पृथ्वी पर चंद्रमा में बाह्य अंतरिक्ष में हो कहीं भी हो उसका आ, द्रव्यमान उतना ही रहेगा द्रव्यमान जो है वह अस्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है ठीक है ये द्रव्यमान का खास पॉइंट है हम लोग को यह याद रखना है कि द्रव्यमान जो है वह हर जगह बदलता नहीं है यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा वैसा नहीं होगा इसकी जो द्रव्यमान है वह अस्थिर होती है और हर जगह पर वही बाप रहता है ठीक है दूसरा है भार भार हम जानते हैं कि पृथ्वी अनेक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यानी कि एम तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर है बल के कारण त्वरण पर निर्भर है किसी वस्तु का भार वह बल है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है किसी वस्तु का भार उसका जो वेट है वह वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है की ओर आकर्षित होती है जैसे हम जानते हैं कि फोर्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्शन है ना हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, अर्थात मास इनटू जी गुरुत्व तरण एक को हम लोग जी लिख सकते हैं तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल बल उसका बल क्या है, है वह वस्तु का भार कहलाता है इसे W से हम दिखलाते हैं W से निर्दिष्ट करते हैं यानी कि W से डिनोट करते हैं और इसे समीकरण टेन में प्रतिस्थापित किया गया है 10 तेरा हुआ A to A into A, और समीकरण हुआ जी अब एक जगह पर क्या लिखा जाएगा जी जी हो गया एक जगह पर जी है ना आइए जी हो गया गुरुत्व त्वरण तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है और इसे W से निर्दिष्ट करते हैं और इसे समीकरण दस चौदह वे प्रतिस्थापित करने पर W इज इक्वल टू एम इंटू जी मास इंटू जी क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है भार का हिस्सा पृथ्वी आकर्षित करती है भार का मात्रक वही है जो बल का होता है है <coughs> ना भार का <coughs> वेट का साई मात्रक जो होगा इंटरनेशनल यूनिट जो है वह भार का वही होगा जो कि फोर्स का रहता है तो यहां पर हो जाएगा न्यूटन और भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है इसलिए इससे इसलिए इससे परिमाण तथा दिशा दोनों रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है इसलिए इसमें परिणाम भी है यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है इसमें दोनों चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ठीक है अब है हम जानते हैं कि किसी वस्तु दिए गए स्थान पर उसका मान अस्थिर रहता है, किसका जी का मान अस्थिर रहता है इसलिए किसी दिए स्थान पर वस्तु का प्रभाव दिए गए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के वस्तु के द्रव्यमान यानी कि एम के समानुपाती होता है तथा तो डब्लू यानी कि भार वेट वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास है ना मास के समानुपाती होता है और यही कारण है कि किसी दिए हुए दिए हुए स्थान पर जब वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान को द्रव्यमान की माप के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं किसी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो या और कोई जगह पर हो तो उसमें आ, उनका द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे अन्य ग्रह पर क्यों ना हो जबकि वस्तु का भार वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है क्योंकि जी का मान स्थान पर जी का मान स्थान पर निर्भर करता है किसी अब है किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार किसी वस्तु का चंद्रमा पर क्या भार होता है वो हम लोग भी पढ़े हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है आकर्षित करती है इसी प्रकार चंद्रमा पर भी किसी वस्तु का भार वह बल है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे कि चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है तो इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी से कम है इसलिए वह आकर्षण बल भी कम लगाता है तो मान लेते हैं कि, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार चंद्रमा पर इसका भार डब्लू एम है तो मान लेते कि चंद्रमा का द्रव्यमान एम और स्मॉल एम है तो इसकी त्रिज्या होगी, आर एम होगी। यहाँ पर मून का बात हो रहा है, है ना तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा W यानी कि भार M इसकल टू G M इनटू M बाय R स्क्वायर R M है ना R स्क्वायर R M स्क्वायर अब है कि मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W E है पृथ्वी पर क्या है तो लिखेंगे हम इसको E W E है और पृथ्वी का द्रव्यमान M है त्रिज्या भी आर है त्रिज्या आर इसका द्रव्यमान एम और इसका भार w है डब्लू है ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पृथ्वी का खगोलीय पिंड और चंद्रमा का और द्रव्यमान दिया हुआ है कि 5.98 पॉइंट नाइन एट पॉइंट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर और द रेडियस है सिक्स पॉइंट

सिक्स है ना टेन टू पावर सिक्स तो इस हिसाब से हम इस समीकरण को प्राप्त करते हैं कि समीकरणों को टेन पॉइंट नाइन तथा हम क्या प्राप्त करते हैं सूत्र देखिए डब्लू डब्लू हो गया वेट अर्थ का है अर्थ का इक्वल टू सूत्र हो गया जी जी एम एम By R तो क्या होता है w e G into M into M R और जब दोनों का मान रखते हैं समीकरण टेन पॉइंट uh, सिक्सटीन और टेन सेवनटीन के सामने टेन पॉइंट वन का मान रखने पर Wm एम इज इक्वल टू सी डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी और सेवन पॉइंट थ्री सिक्स हो गया देखिए सेवन पॉइंट थ्री सिक्स हो गया चंद्रमा का भार द्रव्यमान है देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया सेवन पॉइंट थ्री सिक्स तो ये हो गया

चला गया। हाँ तो का चीस इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स यहाँ इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और नीचे आर स्क्वायर हो गया आर है वन पॉइंट सेवन फोर आर वन वन पॉइंट फोर सेवन फोर वन पॉइंट फोर सेवन फोर वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स ठीक है तो यहां पर हम क्या कर देंगे आर स्क्वायर है तो इसको डबल कर दिए हाँ अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर थ्री वन इसको जब हम सॉल्व करते हैं इतना को पूरा इतना कुछ सॉल्व करते हैं तो आता है 2.431 एज़ अ 10 टू द पावर जी g m तथा w e, यानी कि अर्थ इज इक्वल टू 1.474 देखिए अर्थ का तब यहां पर हो जाएगा इसको हल करेंगे पूरा जब हम लोग निकालते हैं डब्लू एम बाई डब्लू है ना? और यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद कर निकल जाता है वन पॉइंट फोर सेवन फोर इंटू टेन टू द पावर टेन टू द पावर कितना है इलेवन जी एम अब समीकरण दस अट्ठारह ए दस 18 बी को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा डब्लू एम बटा डब्ल्यू ई e. डब्ल्यू एम बटा डब्ल्यू ई e. तो डब्ल्यू एम हो गया टू पॉइंट फोर थ्री वन इंटू टेन टू पावर जीरो सिक्स माइनस टू पॉइंट फोर थ्री वन गुरे टेन टू द पावर इलेवन टेन टू द पावर इलेवन और नीचे वस्तु का पृथ्वी का भार जो है वह है वन पॉइंट फोर सेवन फोर इंटू टेन टू इलेवन अब इसको पूरे को भाग देंगे तो कितना निकलेगा जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव या तो वन बाई जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे इसको हम काटेंगे इतना को काटेंगे तो इतना आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव है और इतना को जब सॉल्व करेंगे यह आएगा ये आएगा वन बाई सिक्स तो वस्तु का चंद्रमा पर वस्तु पर चंद्रमा पर भार एक और वस्तु पर पृथ्वी का छे। छे। तो वस्तु का पर चंद्रमा पर भार हो गया एक बटा वस्तु का चंद्रमा पर भार है एक और वस्तु का पृथ्वी पर भार है बटा छ

Uh, 0.165 को हम जब सॉल्व करते हैं तो 1 बाय 6 आता है और वस्तु का चंद्रमा पर भार एक और वस्तु का पृथ्वी पर भार एक बटा छः वस्तु का चंद्रमा पर आर पार पर भार वस्तु का चंद्रमा पर भार हो जाएगा एक बटा छः इसका गुने पृथ्वी पर का भार पृथ्वी का भार क्या रहता है पृथ्वी का भार है 9.8 है ना जहाँ हम तीसरी का भार से गुना करेंगे तब हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो आ, यहां तक तो हो गया कि कैसे एक बटा छठवा भाग हुआ आ, इसका उ, आ, वस्तु का चंद्रमा पर भार एक बटा अच्छे गुने पृथ्वी पर भार ठीक है तो पृथ्वी का भार जहां पर रहेगा वो दिया रहेगा उससे हम लोग को गुना करना होगा तो ये निकल गया पूरा हमारा एक बट अच्छे पृथ्वी पर का भार अब एक छोटा सा क्वेश्चन है टेन पॉइंट फोर एक वस्तु का द्रव्यमान टेन के है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? वो सवाल है कि एक वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का मास जो है वह टेन के जी है ठीक है और पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा तो सबसे पहले हम टेन के जी इसका मास लिख लेंगे और गुरुत्व त्वरण है ना त्वरण यानी कि जी यहाँ पर हम जगह पर चूंकि गुरुत्व त्वरण है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल जी स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाइन पॉइंट एट गुरुत्व त्वरण का मान हुआ ठीक है तो यहाँ पर है डब्लू इज इक्वल टू एम इन जी भार हमसे पूछ रहा है पृथ्वी का भार कितना होगा तो भार का सूत्र हो गया Uh, A, तो एक जगह पर हमने जी लिखा एम इंटू जी देखिए ये सूत्र है यहाँ पर है ना यहां पर भार हो गया तो भार को डब्लू से लिखी डब्लू टू एम इंटू जी ये छोटा छोटा जो सूत्र है ये सब हम लोग को याद रखना होगा है आप लोग को फिजिक्स में तो भाई याद करना है वो तो Uh, कुछ रटना भी है कुछ याद भी करना है फिजिक्स तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा तो टफ भी है तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी है तो एम मास हमारा दिया हुआ है दस किलो तो टेन के जी जी का मान दिया हुआ है नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट मीटर स्क्वायर और यहाँ पर जो इसको गुना करेंगे तो जाएगा 98 एट न्यूटन जो न्यूटन होगा क्योंकि भार है है ना है और इसका मात्रक है एस आई बल का जो मात्रक है वही मात्रक इसका भी होगा जितना की बल का है न्यूटन तो भार का भी मात्रक है न्यूटन तो 98 न्यूटन तो ये हो गया पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा के भार का सवाल आएगा, हम उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे ठीक है तो आज हम यही तक रहने देते हैं आप लोग लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है हाँ और आइकन बेल भी दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन तो 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 आप ही लोग के पास जाएगा पहले ठीक है ओके बाय Thank you.